डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। हम लोगों से सुनते हैं कि गुनाह करने वालों की कोई सीमा नहीं होती, ना ही तो कोई ग्लानी होती है, और ये बात हमने सच होते कई बार देखी है। जी हाँ, 2022 को बीतने में बस चंद दिन शेष हैं। अगर हम पीछे पलट कर देखें तो कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। ईयर इंडर 2022 में हम हाल ही में हुई श्रद्धा वालकर हत्याकांड की बात करने वाले हैं। दिल्ली के महरौली इलाके में एक विभत्स घटना में एक व्यक्ति ने अपने लिव इन पार्टनर की गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद शव के करीब 35 टुकड़े कर उन्हें लगभग 3 सप्ताह तक 300 लीटर की क्षमता वाले फ्रिज में रखा और एक के बाद एक कर उन्हें राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आफताब अमीन पूनावाला की गिरफ्तारी के बाद यह नृशंस घटना 6 महीने बाद सामने आई। उनके अनुसार महिला के शव के कटे हुए कुछ हिस्से मिले हैं और पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार तलाश रही है। विश्वासघात और छल की इस दुखद घटना में आरोपी आफताब अपराध करने के 6 महीने तक बचता रहा। पूछताछ में उसने बताया कि हत्या को अंजाम देने के बाद वो उसी घर में रहा जहां वो दोनों साथ रहते थे। उसे पूछताछ में हत्या का ब्योरा सामने आया। आफताब पूनावाला ने जांच के दौरान पुलिस को बताया कि शादी को लेकर हुए झगड़े के बाद उसने श्रद्धा वाकर की हत्या की और उसके शरीर को टुकड़ों में काटने का विचार उसे एक अमेरिकी टेलीविजन सीरियल डेक्स्टर से आया। आरोपी ने शव के कटे हुए हिस्सों को रखने के लिए 300 लीटर वाला एक फ्रिज खरीदा और शव से आने वाली बदबू को दबाने के लिए अगरबत्तियां एवं रूम फ्रेशनर का उपयोग किया। जांच में यह भी सामने आया कि आफताब रात के समय शरीर के टुकड़ों को फेंकने के लिए निकलता। वो इस बात का ध्यान भी रखता था कि शरीर का कौन सा हिस्सा जल्द से जल्द सड़ना शुरू हो जाता है और उसने उसी को ध्यान में रखते हुए शरीर के हिस्सों को फेंकना शुरू किया। आफताब ने जिस समय श्रद्धा के टुकड़ों को फ्रिज में रखा था वह उस समय अपनी महरौली वाले किराए के फ्लैट में एक महिला को डेट भी कर रहा था। सूत्रों ने बताया कि आफताब कथित तौर पर दूसरी महिला एक मनोवैज्ञानिक के संपर्क में उसी दिन डेटिंग ऐप से आया जिसके माध्यम से उसकी श्रद्धा वाकर से 2019 में मुलाकात हुई थी। सूत्रों में बताया कि दूसरी महिला जून जुलाई में एक दो बार उसके घर आई। उस समय आफताब ने वाकर के शरीर के अंगों को फ्रिज और किचन में छिपा दिया था। जांच में सामने आया कि 18 मई को श्रद्धा वाकर की हत्या के बाद पूनावाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन किया और अपने दोस्तों को यह संदेश दिया कि वह अभी भी जीवित है। उन्होंने उसके क्रेडिट कार्ड को बिलों का भुगतान भी किया ताकि कंपनियां उसके मुंबई के पते पर संपर्क ना करें। हत्या के बाद अगले कुछ हफ्ते तक आफताब ने कथित तौर पर महिला के दोस्तों के साथ उसके सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग करके बातचीत की ताकि कोई संदेह पैदा ना हो। श्रद्धा वाकर अपने परिवार से बात नहीं कर रही थी क्योंकि उन्होंने उनके रिश्ते पर आपत्ति जताई थी। पीड़िता के पिता ने मुंबई में सितंबर में शिकायत दर्ज कराई जब उसके दोस्तों में से एक ने उन्हें बताया कि वाकर के फोन पर पिछले 2 महीने से संपर्क नहीं हो पा रहा और पूनावाला ने दावा किया वो कुछ समय पहले अलग हो गए थे। शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने दिल्ली में उनके अंतिम स्थान का पता लगाया और आफताब को भी बुलाया जिनके विरोधाभासी बयानों ने संदेह पैदा किया। मुंबई पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आफताब और श्रद्धा का कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकाला और पाया कि उसका मोबाइल मई से बंद था। फिर हमने आफताब को बुलाया और उससे पूछताछ की और उसका बयान भी दर्ज किया। 8 नवंबर को मुंबई पुलिस ने महरौली थाने में श्रद्धा के लापता होने की सूचना दी थी। जांच के दौरान आफताब की आवाज पर छापेमारी की गई और उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी को 5 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया और मामले की अभी भी जांच चल रही है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।